आप सभी को लिगलोम का यानी अमनोम का नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, उम्मीदों पर ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। आंखों में आंसू दोनों ही बार थे, पर पहले गम के थे और इस बार शायद वो आंसू खुशी के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि सभी विद्यार्थी पुराने नियम के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं, सभी दोस्तों में, सभी विद्यार्थियों में एक खुशी की चमक नजर आई। पर सवाल ये भी है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर तक जाएगा, क्योंकि ये जो फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो अभी फॉर्म भरने तक के लिए है। चूंकि एक पिटीशन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी लगी है और उसके निर्णय के हिसाब से ही इस पर फैसला होगा और उसकी तारीख फरवरी के अंत तक कह दी गई है कि तब तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को फाइनली फैसला करना है वो इस रूल को मानते हैं या नहीं मानते हैं। जो रुख हम देख पाए हैं अभी तक, हमें उम्मीद कम ही है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से हमें ऐसी कोई रिलीफ मिलने वाली है। पर जो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ने आज जगाई है वो हमारे आत्मविश्वास बढ़ाती है कि भविष्य में भी जब, अगर मान लो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पिटीशन हम विद्यार्थियों के फेवर में नहीं आती है, जब उसे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर चैलेंज किया जाएगा तो पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट हमें राहत देगा, यानी वो नियम जो लाया गया है उसे पूर्ण रूप से असंवैधानिक ठहरा दिया जाएगा। यही उम्मीद है और यही आशा है। तो फिलहाल के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर तो है कि वे फॉर्म भर पाएंगे, पर अभी उनकी लड़ाई जारी है और एक अच्छे और बेहतर वकील के साथ हमें एक बार फिर खड़ा होना पड़ेगा, न केवल हाईकोर्ट में अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी, जहां पर हम उम्मीद करेंगे कि हमें पूरा न्याय मिले। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि क्या सर ये कंफर्म हो जाएगा, मतलब जो रिलीफ आज मिली है क्या ये रिलीफ हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, लेकिन आज के फैसले को देखकर बताया जा सकता है कि संभावना बहुत ज्यादा है कि विद्यार्थियों के पक्ष में भविष्य में फैसला आएगा और यह नियम 70% 3 साल वाला, यह बेतुका नियम जो आर्टिकल 14 के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, उसे आज नहीं तो कल मिटना है। वो नियम अमिट नहीं है, वो असंवैधानिक लगता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो अपने पटल से उसे देखते हैं और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही कुछ निर्णय भविष्य में करेगा, यही हम सबकी आशा है। तो अभी तैयारियां शुरू करें, अभी पढ़ाई शुरू करें, समय ना गवाए, भविष्य में देखना होगा कि क्या होता है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमन ओम पाटीदार।